आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है प्रमोद राणा, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है तो। और दोस्तों वहाँ पर सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें रेलवे हुआ, SSC हुआ, MPPEB के सारे एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जा रही है, और PDF फाइल भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों हाल ही में जारी किए गए जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 130वें नंबर का हो जाएगा। पिछले साल की दोस्तों बात करें तो पिछले साल कौन से नंबर पर था? 131 नंबर पर था भारत। और सबसे पहले दोस्तों बात करें सबसे ऊपर किसका नाम आया है, तो सबसे ऊपर नॉर्वे का आया है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। और सबसे नीचे की दोस्तों बात करें तो सबसे नीचे किसका? नाइजर का आया है जो कि कौन से नंबर पे? 189 नंबर पे भी है। इसी के साथ साथ दोस्तों नॉर्वे की राजधानी की बात कर लें तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। करेंसी की नॉर्वे की दोस्तों बात करें तो करेंसी कौन सी हो जाएगी? क्रॉन हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नाइजर की राजधानी, नाइजर की राजधानी क्या हो जाएगी? नियामे हो जाएगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही जो डाटा होता है वही सभी एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करके चलें। और जो दोस्तों नाइजर है, नाइजर का नाम क्यों पड़ा? तो देखिए इसका नाम जो है ये नाइजर नदी के नाम पर पड़ा, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। और नाइजर नदी कहाँ पर बहती है? तो नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। और जो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है ये कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का महाद्वीप है। सबसे बड़े की महाद्वीप की बात करें तो दोस्तों एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों जो फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद कौन सा तूफान चीन पहुंचा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद कौन सा तूफान चीन पहुंचा? तो ये मैंगकोट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैंगकोट हो जाएगा। फिलीपींस की दोस्तों राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी हो जाएगी? मनीला हो जाएगी। करेंसी की बात करें तो फिलीपींस की करेंसी क्या हो जाएगी? पैसो हो जाएगी। और जो ये दोस्तों तूफान जो है ये जेबी तूफान, ये कहाँ पर आया था? जापान में आया था। क्लियर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो जेबी तूफान कहां पे आया था? जापान में आया था। और जापान की राजधानी तो आप जानते हैं, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्लोरेंस में दोस्तों बात करें, जो फ्लोरेंस तूफान आया था वो कहां पर आया था? अमेरिका में आया था। और दोस्तों जो ये ओखी तूफान है ये कहां पर आया था? भारत के तमिलनाडु में आया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों इसको ओजोन दिवस तो नहीं कह सकते, परंतु जो ओजोन परत का संरक्षण का दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया गया। यानी 16 सितंबर को कहा गया कि हम ओजोन के संरक्षण है उस पर बहुत से कार्य करेंगे। ऐसा क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। जो ओजोन पर है ये जो सूर्य की जो यूवी रेज होती है, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। तो अब ओजोन परत का जैसा कि आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और भी गैसों की वजह से बहुत सा क्षरण हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो 16 सितंबर है यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस से प्राप्त होती है? जैसे AC हुआ, रेफ्रिजरेटर यानी जो आपके घर में फ्रिज लगा रहता है जिससे आप ठंडा पानी पीते हो, उसकी वजह से, आदि से निकलती है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में ध्रुवीय बर्फ को ट्रैक करने के लिए किसने सैटेलाइट लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके तो हाल ही में किसने ध्रुवीय बर्फ को ट्रैक करने के लिए किसने सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया था। नासा की दोस्तों बात करें तो नासा का क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यह अमेरिका की एक शाखा है। कौन सी? नासा। नासा आपको याद रखनी है, अमेरिका की एक शाखा है। नासा का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखें। दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो ये दोस्तों
नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसी के साथ साथ स्थापना कब हुई थी नासा की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1958 में स्थापना हुई थी। और वॉशिंगटन जो डीसी है ये अमेरिका की राजधानी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, नासा की स्थापना 1958 में, मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी है। फुल फॉर्म भी आपको ये अच्छे से याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियों में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उनमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सरल भाषा में दोस्तों बात करें तो भारत में फैमिली बिजनेस वाली कंपनियों में थर्ड स्थान है। सरल भाषा में दोस्तों बात करें तो जो भारत है उसमें जो फैमिली बिजनेस होता है उन वाली कंपनियों में ये थर्ड स्थान है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय लोगों का तंत्र जो दिवस है वो कब मनाया गया? तो वो कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया। इसी के साथ साथ 15 सितंबर को दोस्तों आप जानते हैं इंजीनियर्स का दिवस भी मनाया जाता है। और 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आप जानते ही हो, अभी अभी बात की गई थी, ओजोन परत का जो संरक्षण है, ओजोन परत के संरक्षण का दिवस भी मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को आप अच्छे से याद रखें। तो 15 सितंबर को इनके अलावा किसको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो मैत्री अभ्यास हुआ है, ये जो सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैत्री जो अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी की बात करें तो बैंकॉक हो जाएगी, करेंसी की बात करें तो थाई बात हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो सिलिनेक्स हुआ था वो किन किन देशों के बीच हुआ था? तो सिलिनेक्स हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एग्जामों में क्लियर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये किन किन देशों के बीच हुआ था। तो सिलिनेक्स किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। सिलिनेक्स से आपको आराम से याद रह जाएगा, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया। तो एस और आई को आप मिला लेना तो एस आई यानी क्या हो जाएगा? एस आई आप जानते हो, एस आई की और पोस्ट होती है, तो इससे श्रीलंका भी हो जाएगा और इंडिया भी हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रख पाएंगे। अब दोस्तों बात कर रहे हैं, वॉस्टॉक 2018 हुआ था वो किसके बीच हुआ था? रूस व चीन के बीच, यानी रसिया व चीन के बीच हुआ था। रसिया की दोस्तों बात करें तो रसिया की राजधानी क्या है? मास्को है, ये तो आप अच्छे से जानते ही। और चीन की दोस्तों राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो अभी आप जान लीजिए, रसिया व चीन के बीच कौन सा हुआ था? वॉस्टॉक 2018 हुआ था और ये सबसे बड़ा था, ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब दोस्तों बात करें, नोमाडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ था? जो नोमाडिक एलिफेंट हुआ था वो किस किसके बीच हुआ था? भारत व मंगोलिया के बीच हुआ था। और मंगोलिया की राजधानी जल्दी से दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं। उसके बाद दोस्तों काजिंद, काजिंद किसके बीच हुआ था? भारत व कजाकिस्तान के बीच हुआ था। ये तो आपको आराम से याद रह जाएगा, काज से कजाकिस्तान, IND से इंडिया हो जाएगा, यानी भारत व कजाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सिंगफन वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दोस्तों ये सिंगफन वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? नागालैंड में हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब ये देखिए, तो हाल ही में नागालैंड सरकार ने इसे हाथी रिजर्व घोषित किया है। किसे किया है? सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण को। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, क्लियर क्वेश्चन पूछ लेगा, जो ये सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण है ये कहाँ पर है? नागालैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागालैंड की दोस्तों राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। अभी CM प्रेजेंट में कौन है? तो निफायू रियो हो जाएंगे। इसी के साथ साथ राज्यपाल की दोस्तों बात कर लें तो नागालैंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण आचार्य जी हो जाएंगे। और जो दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा है, वो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज के आपके सामने रखें। तो
दोस्तों मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पे, प्रमोद राणा अनअकैडमी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रमोद राणा ये सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों आपको सभी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, ये करंट अफेयर्स हो गया, ऑल इंडिया एशियन गेम्स से रिलेटेड करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की योजनाएँ हो गई, MP करंट अफेयर हो गया, MP GK हो गया, सामान्य हिंदी हो गया। तो ये दोस्तों आपको जो दिख रहे हैं कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको लेसन मिल जाएंगे, जैसे इसमें 7 लेसन डाले गए, इसमें 9 लेसन। तो जैसे ही आप लेसन देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी भी यहाँ पर मिलेगी, करूँगा आपको ये जानकारी बहुत यूजफुल होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।